हेलो एवरीवन टुडे इस टॉपिक इज़ कॉन्वेक्शन इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कंडक्शन के थ्रू किस प्रकार से ट्रांसफर होती है आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्वेक्शन में किस प्रकार से हीट ट्रांसफ़र होती है तो देखिए कॉन्वेक्शन किससे कहते हैं द लिक्विड्स एंड गैसेज ट्रांसमिट लार्ज पा लार्ज ऑफ हीट बाई अ प्रोसेस इन विच अ पार्ट ऑफ द हॉट मीडियम मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कॉन्वेक्शन कॉन्वेक्शन में क्या होता है कि आपका जैसे हमारे पास कोई भी सबस्टेंस है लिक्विड या गैस उसका एक पार्ट पहले गर्म होता है ठीक है ना? फिर उसके थ्रू फिर जो बाकी के जो उसके पार्ट्स हैं वो गर्म होते हैं ठीक है ना यानी उनमें हीट ट्रांसफ़र होती है तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है उसको हम कॉन्वेक्शन बोलते हैं विद इन द हॉट मीडियम द मूमेंट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ करेंट्स किसी गर्म माध्यम में जो मूवमेंट होता है जो ट्रांसफर होती है हीट ठीक है वो किस फॉर्म में होती है करेंट के फॉर्म में होती है हॉट करेंट ऑफ गैस और लिक्विड मूव्स अपवर्ड जो हॉट करेंट होती है वो किसी भी गैस और लिक्विड में मूव करती है कहाँ की ओर को ऊपर की ओर को एंड इट्स प्लेस इज टेकन बाई कोल्ड करेंट ऑफ गैस और लिक्विड और ये क्या करती है जो अपनी एनर्जी है जो अपनी हीट है वो कोल्ड करेंट में ट्रांसफर करती है ठीक है इसके बाद देखें काइंड्स ऑफ कॉन्वेक्शन कॉन्वेक्शन कितने टाइप का होता है तो फर्स्ट है हमारे पास फोर्स्ड कॉन्वेक्शन ठीक है फोर्स्ड कॉन्वेक्शन क्या होता है कॉन्वेक्शन इन विच हीटेड सबिस्टेंस इज फे टू मूव इज कॉल्ड फोर्स्ड कॉन्वेक्शन कॉन्वेक्शन इन विच हीटेड इज फोर्स मूव इज कॉल्ड फोर्ड कॉन्वेक्शन ऐसा कॉन्वेक्शन जिसमें हीटेड सबिस्टेंस को क्या किया जाता है फोर्स किया जाता है मूवमेंट के लिए उसे कहते हैं आपका फोर्ड कॉन्वेक्शन सेकेंड टाइप है हमारे पास नेचुरल कॉन्वेक्शन नैचुरल कॉन्वेक्शन किसे कहते हैं देखिए कॉन्वेशन इन विच हीटेड सबिस्टेंस मूव विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी बिकॉज ऑफ़ द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ हॉट एंड कोल्ड मटीरियल इस कॉल्ड नेचुरल कॉन्वेक्शन ठीक है नेचुरल कॉन्वेक्शन में क्या होता है कि जो हीटेड सबिस्टेंस होते हैं वो किसी एक्सटर्नल एजेंसी की बिना किसी हेल्प के मूव करते हैं ठीक है ना बिकॉज ऑफ़ द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ हॉट एंड कोल्ड मटीरियल वो इस वजह से कि जो हॉट और कोल्ड मटीरियल होता है उनकी डेंसिटी में डिफरेंस होता है डेंसिटी में डिफरेंस होने की वजह से जो आपका हॉट मटेरियल है वो मूव करता है ठीक है ना और उसको मोशन के लिए किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है आगे देखिए लिक्विड्स एंड गैसेस आर हीटेड मेनली बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्वेक्शन इन विच वियनसी एंड ग्रेविटी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल जब किसी लिक्विड और गैस को हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर बीओनसी और ग्रेविटी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है वहन अ फ्लूइड लिक्विड एंड गैसेज इज हीटेड फ्रॉम बिलो द हॉट पोर्शन हॉट पोजिशन एट द बॉटम एक्सपेंड्स एंड बिकम्स लेस डेंस जब किसी सबस्टेंस को किसी फ्लूड को लिक्विड या गैस को हम गर्म करते हैं तो नीचे से गर्म करने पर होता क्या है कि जो पोल्यूशन होती है द हॉट पोजुशन एट द बॉटम एक्सपेंड एंड बिकम्स लेस डेंस तो जो उसका जो हॉट पोर्शन होता है वो क्या हो जाता है गर्म होने लग जाता है और गर्म होने पर उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होने लग जाती है कम होने लग जाती है बिकॉज ऑफ बी दिस लाइटर पोर्शन राइजेज अप अब बीओनसी की वजह से क्या होगा कि जो नीचे का जो पोर्शन है वो ऊपर की ओर को उठना स्टार्ट हो जाएगा दिस द डेंसर कोल्डर फ्लूड टेक्स इट्स प्लेस बाई मूविंग डाउनवर्ड और जो ऊपर का जो पोर्शन है जो क्या है कोल्ड है जो ठंडा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी नीचे वाले पोर्शन से तो वो क्या होगा आपका नीचे की ओर को जाने लग जाएगा दस कॉन्वेक्शन करंट इज सेटअप इन द फ्लूड तो क्या होगा उसमें कॉन्वेक्शन करंट फ्लो होने लग जाएगी ठीक है ना फ्लूड में द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ अ लिक्विड कैन बी सीन बाई कलरिंग द लिक्विड विथ पोटेशियम पर मैगनेट क्रिस्टल्स प्लेसड एट द बॉटम ऑफ द वैसल इसको हम आसानी से देख सकते हैं पोटेशियम पर मैगनेट क्रिस्टल के सोल्यूशन में ठीक है ना जब जो हॉट हो, हो, सबस्टेंस है वो क्या होता है आपका गर्म होने पर ऊपर की ओर को उठता है बियसी की वजह से और जो आपका कोल्ड कोल्ड पोर्शन है उसका वो क्या होता है आपका उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो क्या होता है आपका नीचे की ओर को जाने लग जाती है तो इस प्रकार से उसमें कॉन्वेक्शन की प्रोसेस होती है और हीट ट्रांसफर होती है ठीक है आगे देखें द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ड्यू टू कॉन्वेक्शन इज जो रेट होता है हीट के फ्लो होने का कॉन्वेक्शन में वो कितना होता है देखें एच इक्वल टू स्मॉल एच इंटू ए इंटू टी सरफेस माइनस टी फ्लूट यहाँ पर जो ए है वो एरिया है ठीक है ना और टी सरफेस माइनस टी फ्लूड क्या है ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस है और स्मॉल एच को क्या कहते हैं हम कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कॉन्स्टेंट ठीक है इसको हम बोलते हैं आपका कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कांस्टेंट तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो टी सरफेस माइनस टी फ्लूड है यहाँ पर जो बॉटम पोर्शन होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और अपर पोर्शन के कंपेयर में जो टी फ्लूड है वो अपर पोर्शन का टेम्परेचर है और टी सरफेस आपका बॉटम पोर्शन का टेम्परेचर है तो इनके बीच में जो डिफ्रेंस है, है उसमें आपका बॉटम सरफेस का ज़्यादा होगा ठीक है ना तो ये होता है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन कॉन्वेक्शन एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्वेक्शन कॉन्वेक्शन के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं देखें फर्स्ट एग्जाम्पल देखें इन अवर बॉडी हार्ट एक्ट एज द पम्प दैट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रो डिफरेंट बॉडी पार्ट ट्रांसफरिंग हीट बाई फोस्ड कॉन्वेक्शन जो हमारी बॉडी है उसमें जो हार्ट है वो क्या काम करता है वो वो पम्प करता है ब्लड को ठीक है ना दैट सर्कुलेट दैट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और जिसकी वजह से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड क्या होता है ट्रांसफ़र होता है और यहाँ पर भी क्या किस वजह से हो रही है ट्रांसफर ट्रांसफरिंग हीट बाई फोज्ड कॉन्वेक्शन फोज्ड कॉन्वेक्शन के थ्रो यहाँ पर क्या हो रही है हीट ट्रांसफर हो रही है सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास द स्टडी सरफेस विंड ऑन द अर्थ ब्लोइंग इन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टूआर्ड द इक्वेटर जो स्टडी सरफेस विंडो होती है ठीक है ना, जो हवा बहती है ऑन द अर्थ अर्थ में ब्लोइंग इन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू द इक्वेटर वो कहाँ से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में फ्लो होती है ठीक है ना टू इक्वेटर से ये भी किस वजह से ये भी आपका कॉन्वेक्शन की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है उस वजह से ऐसा होता है ठीक है तो ये होता है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन कॉन्वेक्शन ठीक है ना तो आज की वीडियो में हमने जाना कॉन्वेक्शन किसे कहते हैं आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच